सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे एक नई शुरुआत के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ। विश्वास नहीं करेंगे, इस समय वर्तमान में देश का सबसे बड़ा दिगंबर समाज के अंदर साधु संतों का संघ ऋषभ विहार में चतुर्मास, और यहाँ पर पता है 51 बिच्छी हैं, और हर कोई किसी ना किसी कारण से कहते हैं मंत्रमुग्ध है अपने गुरुवर के ऊपर। कई ऐसे हैं जो मौत तक पहुँच गए उसके दरवाजे तक, और फिर कहते हैं इनके पीछे में जादू है, इनके शब्दों में जादू है, इनके कमंडल के झल में जादू है, इनके नेत्रों में जादू है, इनके आंखों में जादू है, जो मौत के मुंह से भी वापस जैसे उसके जबड़े से खींच कर ले आता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जब कहते हैं मरणासन हो गए थे, अंतिम क्रिया करने से पहले कहते हैं संबोधन की इंतजार हो रहा था, यमराज खड़ा था और मौत वापस लौट गई थी। सुनिए जरा। कोरोना पीरियड में जब हम लोग शांतिनाथ भगवास में चातुर्मास के लिए विराजे थे, 31 दिसंबर की बात होगी, चतुर्दशी थी उस दिन, बड़ा प्रतिक्रमण हुआ। किसी ने कहा कि दीदी इतनी ठंड लग रही, माता जी को तो सिगड़ी ही जला दो ना, मतलब सिगड़ी लगा दो। तो हमने कहा ठीक है, अपन तो श्रावक के भैया अपन भैया मुक्ति कर सकते हैं। तो कोयले भी मंगा दिए, सिगड़ी भी जल गई, और अंदर रखी तो माता जी ने तुरंत हमें मना किया कि सिगड़ी बाहर नहीं, बाहर रख दो, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, माता जी की जैसी आज्ञा। तो हमने वो उस समय तो दो मिनट बाहर रख दी सिगड़ी, उसके बाद पुनः माता जी को जैसी नींद लग गई तो हमने अंदर में ली, क्योंकि महाव्रती वो क्यों चाहेंगे कि अपने सामने कोई जीव का घात हो। तो हमने भैया वृत्ति के वहाँ से सिगड़ी और अंदर ले ली। पर ये हुआ ये कि ठंड बहुत थी और हमने गेट बिल्कुल पैक कर दिया, विंडो भी नहीं थी उस रूम में। तो माता जी को भी नींद लग गई, हमारे साथ और एक बहन थी ऋतुजा, उनको भी नींद लग गई, 4-5 मिनट में नींद लग गई। फिर उसके 4-5 मिनट बाद ही एकदम से हमें अंदर से घबराहट होने लग गई। तो हमने कहा ऋतुजा को कि मुझे मतलब कैसे हो रहा है। तो बोले दीदी क्या हो रहा। तो उसे तुरंत वो उठने का प्रयास करी, तो उसको भी 3 बार चक्कर आ गया, वो गिर गई। उसके पास फ़ोन था, उसे फ़ोन तुरंत नंबर लास्ट नंबर था हिना दीदी का, तो हिना दीदी से बात की कि तुम जल्दी रूम में आ जाओ, दीदी को क्या हो रहा। और उसके बाद में सब लोगों ने हमारी जो सिचुएशन देखी, संघ के जो हमारे भाई लोग थे उस समय, तो कोरोना पीरियड में सब ऐसे भक्तगण और भाई सब पास में थे, उन्होंने कहा दीदी तो गई, सुबह दीदी के लिए लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी सांस निकल ही नहीं रही थी बाहर। उस पीरियड में मुझे आदिका श्री सुखपति माता जी और दीदियाँ साथ लेकर गई आचार्य श्री के पास, क्योंकि वैसे तो रात में जाने का कोई प्रावधान है ही नहीं, बट मेरी ये सिचुएशन थी कि मैं जीऊँगी कि मरूँगी। लग ही रहा था कि दीदी तो गई, कम से कम आचार्य श्री नमुखा में तो सुना देंगे। आचार्य श्री के पास गए तो आचार्य श्री ने भी एक बार देखा, तो आचार्य श्री को भी लगा क्या, मतलब जो मुझे बाद में कंडीशन बताई गई कि हमें सब त्याग कराया गया 6 घंटे के लिए। आचार्य श्री ने हमें संदेखना दे दी कि आपके 6 घंटे तक सब त्याग है, ये इतनी जगह छोड़कर बाकी सब का त्याग सब करा दिया। उसके बाद डॉक्टर्स आए, 3 डॉक्टर्स आए, उन्होंने जब चेक किया, पल्स देखा, तो बोले कि नहीं कोई चांस नहीं। आचार्य श्री ने उनको पीछे से साइड में किया, आप लोग साइड में हो, आचार्य श्री बैठे। आचार्य श्री ने मेरे ऊपर पीछी लगाई, क्या पीछी लगाई, क्या मंत्र दिए। उसके बाद में मेरे अंदर जो जागृति थोड़ी थोड़ी होश आने लग गया। सुबह 5 बजे तक मैं उधर ही साधु होके कक्ष में मुझे रुकाया गया, मेरे साथ में 4 दीदियाँ थी, 1 माताजी थी, और सब लोग नमोकार मंत्र के रात भर जाप कर रहे थे। किसी ने कहा एम्बुलेंस बुलाया जाए, आचार्य श्री ने कहा सब फेर पीछे हो जाओ तुम लोग। आचार्य श्री ने जो जाप किए, जो जाप किए, जो आशीर्वाद दिया, सुबह जब 5 बजे सभी साधुओं की, आज भी संघ में जो परंपरा चलती है ध्यान की, सब साधु संघ ध्यान में बैठे और हम भी उसमें बैठे रहे, और 6 बजे जब डॉट पूरा सामायिक ध्यान सबका हुआ, फिर हमने आचार्य श्री को अच्छे से नमस्कार किया। और जब हम पुनः प्रधान के समय खड़े रहे, जो डॉक्टर साथ में देखने आए थे, उन्होंने कहा दीदी वास्तव में पूरी ताकत आपके आचार्य भवन में है, आप तो रात में ही चले गए थे, तो आचार्य श्री का आशीर्वाद है कि उनके आशीर्वाद से आप यहाँ खड़े और आज प्रधान के लिए तुरंत खड़े हो गए। ये गुरु महाराज का चमत्कार, उनका आशीर्वाद मुझे जीवन देता भी है, जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। हाथों पैरों ने काम करना बंद कर दिया, कह दिया समाधि कर लो, हैरान हो गई, पर शब्दों ने किया जादू कर दिया। सुनेंगे। हम बाढ़वा गए तो हम बहुत बीमार हो चुके थे, हमारी आसक्ति खत्म हो गई थी,
और हमारे पाँव हाथ पैर सब हिल गए थे। अच्छे से को पता चला, वो हमारे पास दौड़े दौड़े आए। अच्छे से बोले कि अच्छा आपको क्या शरीर से प्रेम है क्या, या आपको क्या क्या भावना है? मैंने बोला हमें किसी से कोई प्रेम नहीं। बोले आप जब नियम लो। तो उन्होंने थोड़े समय के लिए हमको बोला समाधि समझो आप। तो हमने कुछ नहीं बोला, बोले कि अभी जितनी देर रहो उतनी देर समाधि, बाद में कुछ नहीं। तो फिर वो आचार्य से हमको संबोधा, वो संबोधन के बाद उन्होंने सुबह किए, हम जो विहार हो रहा था तो हम दर्शन करने के लिए गए। तो उसके बाद हम सागवाड़ा पे विहार हुआ था, वहाँ से पाड़वा से सागवाड़ा गए थे। सागवाड़ा में हमें वहाँ पे अमृता दीदी ने हमको सब औषधि वगैरह सब दी, और जो आचार्य श्री का जो प्रेम वात्सल्य उनके शब्द से, जो दवाई काम नहीं करती वो उनके शब्दों से मेरे शरीर के अंदर और पवित्र होकर पूरे शरीर में रमण कर गया। और शब्द के उनका शब्द ने दवाई का काम कर दिया, और उन्हें उनकी हाथों की ऊर्जा मेरे अंदर शरीर के अंदर प्राप्त हो चुकी, और मैं एकदम स्वच्छ होकर चलने लगी। कैसे भक्त के हम कमखत बन जाते हैं। अरे जो हम मार्ग पे नारियल फोड़ना होता है गुरुवर के अंगूठे के ऊपर फोड़ देते हैं, फ्रैक्चर के फ्रैक्चर हो जाते हैं, पर उफ नहीं होती है, और उन्हीं टूटी हड्डियों के नहीं बढ़ते बढ़ते विहार को चले। सुनेंगे जरा। ऐसे हजारों दृष्टांत उनके जीवन के हैं कि क्या क्या मैं बताऊं, पर आचार्य भगवान का एक दृष्टांत जो मेरी आत्मा को छू चुका है, और मुझे इतना लगता है कि ऐसे भी कठोर जीवन, ऐसा और सरलता में जीवन, ऐसा समता में जीवन उनका, कि जब वो बॉम्बे की तरफ विहार कर रहे थे तो रास्ते से जब वो निकल रहे थे तो मंदिर की तरफ, जब उनको मंदिर में प्रवेश करना था तो अचानक से अनजान में ही गलती हो गई एक श्रावक से, और वो नारियल हाथ में था, नारियल फोड़ने चला देहरी पर हुंफट के लिए, और वो नारियल उनके चरणों में उनके अंगूठे के ऊपर हुंफट हो गया। ऐसा हुंफट हुआ कि बस शरीर के रोमांच रोमांच उनके ऐसे द्रवित हो गया। देखने वाले श्रद्धालु जन भी एकदम बिल्कुल दुखी हो गए, पर आचार्य भगवान ने एक बार भी हूं नहीं किया, एक बार भी हाँ नहीं किया। ठीक है, तो भी उसे आशीर्वाद दिया हाथ उठा करके, और कहा साधु का जीवन अगर होता है तो समता और सरलता ही साधु का गहना है। तो पूज्य आचार्य भगवान से हमने तो यही शिक्षा ली, इस संयत ने यही शिक्षा ली कि अपने जीवन को संयत बनाइए, और जहां जाइए वहां धर्म का ध्वज फहराइए। ज्ञान के सागर है, कहते हैं 1, 2, 50, 100, 250 नहीं 10,000 गाथाएं प्राकृत की हो, संस्कृत की हो, कंठस्थ है, अरे चलते फिरते विश्वविद्यालय है। सुनेंगे। इनके अवतरण दिवस तो जैसे हमें लगता है कि महावीर भगवान का ही अवतरण हुआ है। महावीर भगवान का अवतरण होना एक इस युग में, भगवान का, गुरुदेव का अवतरण होना है जैसे महावीर भगवान का अवतरण होना है। आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव, इनको इनकी ज्ञान शक्ति इतनी है कि उन्होंने अपने छोटी उम्र काल में भी इतने अधिक ग्रंथों की रचना कर ली। 10,000 से भी ज्यादा श्लोक उनको याद कंठस्थ थे। जब हमें शिष्यों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय किस ग्रंथ की गाथा कहाँ से अटैच होती है वह उसी समय बता देते हैं, प्रश्न नंबर, गाथा नंबर, यहाँ तक कहाँ तक वो सब भी सिखा लेते हैं। वो हमेशा यही बताते कि उनके गुरुदेव ने उनको सब शास्त्र अधिक पास में नहीं रखना, शास्त्रों को हृदय में धारण करना, इतना वो सिखाते थे। उन्होंने उसी प्रकार अपने गुरु के आदेश से अनुसार चले, तो उन्होंने इतने छोटी उम्र में भी इतनी गाथाएं याद कर ली, और इतनी गाथा याद करी। उसके बाद हमेशा अपने शिष्यों को भी यही सिखाते हैं कि आप भी, मैंने जिस तरह इतनी गाथाएं याद करी, और कि आप भी कंठस्थ करना सीखो धीरे धीरे करके, एक एक करते, एक एक भी करोगे तो एक एक करते करते भी साल में 365 गाथाएं याद हो जाती। इस तरह हमें भी, मैं इस संघ में आई तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था, एक माइक पकड़ना तक नहीं आता। आचार्य जी के आज्ञा अनुसार चलने से, उनके आशीर्वाद से, जब हम, मेरे को भी संयत मती माता जी के साथ में प्रभावना के लिए भेजा, तो वहाँ रोज माता जी भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। वो तो ध्यान वगैरह सब कुछ देते थे, प्रवचन का अवसर मुझे भी देते थे। तो वह आचार्य जी के आशीर्वाद से भी मेरे में बोलने में हिम्मत आई, और माइक पकड़ने की हिम्मत आई, और मैं आचार्य जी के आचरण से ही प्रवचन करना सीखी। तो आज कुछ नहीं तो थोड़ा कुछ तो बोल ही लेती हूँ। आचार्य से ये आशीर्वाद से ये प्रबल शक्ति बढ़ी है मुझे में। और गुरुदेव पर नीरा पर भी एक उपसर्ग हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ गुंडे लोग बाइक लोकर उनके आगे हो गए, और कहते हम इस अवस्था में आपको आगे नहीं जाने देंगे। इस तरह उन्होंने उपसर्ग किया और आगे नहीं जाने दिया, तो गुरुदेव यहीं ध्यानस्थ खड़े हो गए।
तो वहाँ एक बॉम्बे के महावीर भाई पंडित करके थे, तो उन्हें सुपकर का नहीं, वो भी डट कर आगे हो गए कि हमारे मुनि हैं, ये किसी तरह यहाँ रुक नहीं सकते, ये आगे जाएंगे और इसी अवस्था में जाएंगे। वो एकदम बॉल्ड होकर बोले, तो गुंडे भी ये बाइक लेकर आगे भाग गए और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सामना कर सके, और इस तरह गुरुदेव का अवसर भी दूर हुआ और वह आगे बढ़ते गए। डेंगू हो गया, खतरनाक तक बढ़ गया, और फिर क्या जादू हो गया और किडनी में स्टोन छू मंत्र कैसे हो गया, सुने। वर्षा के बाद प्रथम चातुर्मास था और जब हमको बुखार, इतना तेज बुखार आया कि आचार्य भगवान, एक दिन आया, दो दिन आया, तीन दिन आया, हमने सोचा वायरल है, चला जाएगा, लेकिन आचार्य भगवान को हमने कहा नहीं, फिर भी नहीं जा रहा था, तो डॉक्टर ने कहा, हमने औषधि कुछ भी नहीं ली, हमको विश्वास था कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर चौथे दिन आचार्य भगवान को बोला, हमको किसी डॉक्टर ने कहा कि आपको डेंगू है, तो हमने आचार्य भगवान को कहा कि आचार्य भगवान बुखार जा ही नहीं रहा है, डेंगू ये भी नहीं कहा, लेकिन फिर आचार्य भगवान ने दूसरे दिन शुद्धि से आ रहे थे और इतनी जोर की एक बार पिच्छी लगाई और वो पिच्छी लगते ही सारा बुखार, वो डेंगू सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं। बस वैसे ही पदमपुरा में आचार्य भगवान के सानिध्य में हमारा केशलोच होना था, उस दिन सुबह 4 बजे हमें पेट में दुखने आया साइड में, तो फिर सबको लगा कि किडनी स्टोन है, बर्न ही नहीं हो रहा है, फिर भी हमने सुबह उठे, फिर थोड़ा तब तो दर्द बंद हो गया और केशलोच किया, पूरा दिन सहजता से निकल गया आचार्य भगवान के चरणों में, केशलोच भी बड़ी शांति से हो गया, और फिर शाम की सामायिक करी, रात 8 बजे से वापस वह दर्द चालू हुआ और रात की 3 बज गई तब तक वो दर्द बंद नहीं हुआ, माता जी भी थी हमारे पास, दीदी भी थी, फिर भी पूरी रात दिन में इतना दर्द है, हम आचार्य भगवान को, तब तो प्रत्यक्ष रूप में आचार्य भगवान हमारे सामने नहीं थे, परोक्ष रूप से तो थे ही, रात में तो नहीं रह पाते, फिर भी हमने आचार्य भगवान को याद किया कि भगवान हमारा ठीक हो जाए, पर नहीं ठीक हुआ, जैसे जैसे सुबह हुई और आचार्य भगवान के पास जाकर बोले, आचार्य भगवान यह किडनी स्टोन का दर्द हो रहा है, तो आचार्य भगवान ने कहा कोई किडनी स्टोन नहीं है, नारियल पानी पियो और सब ठीक हो जाए, और आज वो दिन और आज का ये दिन, अभी तक कभी कोई दर्द नहीं हुआ, सब दर्द छू मंतर हो गया। भगवान महावीर की वासना का जैसे साक्षात रूप इस धरा पर जीवंत उतर आया है, सुनेंगे। जीवन में बहुत से लोग जन्म पाते हैं, ऊंचाइयों तक कौन पहुंच पाते हैं, कोई बिरला ही होता है जो महावीर जैसी करुणा को दिल में अपनाते हैं, ऐसे साक्षात उदाहरण है पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज, जिनको जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव है, करुणा से उनका दिल भरा हुआ रहता है, विश्व में ब्रह्मांड में हर जीव के प्रति मैत्री भाव, करुणा का भाव, सौहार्द का भाव गुण किसी देखने में मिला, जीवन काल में आचार्य भगवान सुनील सागर जी के साथ मिला, ऐसे महान संत के जन्म दिवस पर यही भावना भाता हूँ, तुम बनो तीर्थंकर गुरु, मैं दिल से ये चाहता हूँ, तेरे समक्ष में बैठूं, ये हस्त में अपनाता हूँ, वो दिन जल्दी से आए, आपके तीत में जो आए उसका भी कल्याण हो जाए। पूरा का पूरा मंदिर बाहर आ गया गुरुवर के हाथों से, कमाल हो गया, सुनिए। उनकी मेरी भावना ऐसी हुई कि मैं इनसे दीक्षा लेके और मैं भी अपने आत्मा कल्याण करूँ, जैसे इनके पास जादू है, इनके पास अथाक मंत्र भरे हुए हैं इनके शरीर में, और इनके शरीर में अथाक वो जादूगर अतिथि हैं, तो उनके अतिथि को देख के देखो, इन्होंने हमारे सामने वहाँ सांगानेर में अपने मन से एहसास करके और पूरा चित्तालय बाहर कर दिया उन्होंने अपने मन से, जो कभी निकला ही नहीं, कई कई सालों से अंदर होगा, किसी को मालूम भी नहीं कि यह चित्तालय है, ऐसी जगह इन्होंने निकाल दिया, इतना बड़ा अतिथय कर दिया इन्होंने, और ऐसी प्रतिमा निकाली कि जिसमें जो एक कचनेर में एक पार्षद भगवान के जो जो जुड़ी हुई थी है कचनेर में, ऐसी एक प्रतिमा और ऐसी सेम इतनी बड़ी ऐसी वो प्रतिमा अंदर से निकली देव द्वारा, उन्होंने बताया कि देव द्वारा निकली है, ये भी एक अतिशय इनका जादू भी है और अतिशय भी है, ये मेरी भावना थी। मैं सांगानेर में जब भी विचार करता था कि सांगानेर में चतुर ये शीतकालीन वादना कर रहे थे, इनके हाथ से मूर्ति निकले, इनके हाथ से मूर्ति निकले, कौन सी सांगानेर वाली जो पहले निकली हुई है, लेकिन वो नहीं निकली और दूसरी निकल गई,
देखो मेरी भावना को भी उन्होंने जान लिया अंदर से, तो ये भी एक जादू है इनके दिल में। ऐसे महाराजों के साथ, ऐसे गुरुओं के साथ मैं अपना दीक्षा लेकर और अंतिम अभी अंतिम मुनि हूँ, मैं छोटा मुनि हूँ अभी इस टाइम पे मुनियों में, इसलिए मुझे बड़ा हर्ष है कि मेरा मेरी भावनाओं को इन्होंने आगे पहुँचा कर मेरे को भी ऊँचा उठा रहे हैं। गले से जो आवाज़ निकलना बंद हो जाती है ना, तो सोचिए क्या आवाज़ होती है, धड़पन हो जाती है। पर कहते हैं कहीं ना कहीं कमाल हो जाती है, कैसे सुनेंगे। मेरे घर पे रहते एक उपवास भी करना मुझे मुश्किल पड़ता था, और यहाँ आके मैंने अंधेश्वर पार्श्वनाथ में सौरकरण के 16 उपवास किए, बोलना बंद हो गया था। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और एकदम से बोलना चालू हो गया। गुरुजी की अपरम मेरे पे अपरम महिमा है, उनके गुणों की क्या बात करूं, उनकी महिमा अपरम पार है। गुरुवर के शब्दों में वो जादू है, क्या जादू है सुनिए जरा। कालाना जी का, कालाना जी ने भूले ऊपर भगवान की मूर्ति ऊपर निचट रही थी, तो आचार्य जी बोले कि इनको ये मूर्ति ऊपर चढ़ेगी, तभी मैं वो बाद बाद में होने क्या किया, वो लोग बोला कि भाई मांस मच्छर का चौका क्या करो, तो उन्होंने नहीं किया। पीछे आचार्य जी बोल के अपना जो इधर जो चौके काम कर रहे वो आदमी को बोलाओ, उन्हें बुलाया, उसको बुलाया, उनसे वो पहाड़ पे मूर्ति चढ़ गई दूसरे दिन। सूरज सबको बराबर नजर से देखता है और गुरुवर दुखियारे का कल्याण पहले करते हैं, सुनेंगे। जय धर्म की जय जयकार हो, ये आचार्य श्री की भावना है, इसलिए आचार्य श्री में है कि सबका कल्याण हो और सब बड़े आनंद से प्रफुल्लित हो और जैन धर्म के नाम पे कोई कलंक ना आए, यही आचार्य श्री की भावना रहती है। और सबको जोड़ के चलते हैं, सबको वासल्य देते हैं, सबका दुख दूर करते हैं, उनको किससे लेना नहीं देना नहीं है। कोई करोड़पति आए, राष्ट्रपति आए, मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, उनके लिए सब एक हैं। परंतु जो दुखिया आता है पहले उसका दुख दूर करने के लिए उसे आशीर्वाद देते हैं कि तेरा कल्याण हो और सबका कल्याण हो रहा है। वो जीवों के भी कल्याण चाहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी दुखी न रहें और प्रसन्न रहें और सारे के सारे जीव खुशहाल रहें, जीवों पर भी कोई घात ना हो, ऐसी उनकी भावना रहती है। अरे प्रेरक हो तो गुरुवर जैसा। अच्छा, इसने जो उपकार किया है 5 साल पहले जो दीक्षा शुल्लक दीक्षा दी, उसके बाद भूमि दीक्षा देकर जो संयम साधना में आगे बढ़ाया, जो उनका उपकार है, उनकी संयम साधना दिवस पर उन्होंने जो आचरण कर रहे, जो पालन कर रहे, उसकी साधना से हम भी उस पालन पर कदम कदम पर चल रहे हैं। और उनकी साधना हमेशा ऐसी बढ़ती रहे, उनका संयम हमेशा बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। और सभी जो युवा वर्ग जो आकर्षित हो रहा है उनके सब संयम साधना से ही आकर्षित हो रहा है, उनकी जो विचार है, जो विचार पकड़ रहे, उनकी संयम साधना से ही सब हो रहा है। हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी ऐसी संयम साधना करो, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान, 5 आचरणों का पालन करते, खुद शिष्यों से कराते हैं, ध्यान ध्यान में लीन रहते हैं, हमें वही साधना से ध्यान ध्यान में लीन रहते, उनकी जो साधना वो कर रहे वैसी साधना में कदम कदम पर चल रहे और वही साधना कर रहे, ऐसी साधना हमें भी उनके चरणों में मिलती रहे, यानी आगे समाधि मरण उनके चरणों में हो, ऐसी भावना कर रहे। और उनका जो गुलाब का सुगंध जैसा प्रफुल्लित हो रहा है, सभी जगह सुगंध दे रहा है, वैसा हमेशा प्रफुल्लित सुगंधी देता रहे। अनि सबों की भावना यही है कि हमारा भी संयम साधना गुलाब के फूल दर प्रफुल्लित हो। बीमारी की भी उम्र होती है, 1 वर्ष, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, अरे 40 वर्ष की बीमारी और उड़नछ हो जाए, गजब की बात हो जाए, सुनिए। कल की ही बात है, आचार्य श्री 6वां मैत्री दिवस के लिए लाल किला पर गए थे, तो हमारी तबीयत एकदम खराब हो गई थी और हमारा मन नहीं लग रहा था पूरा दिन। तो जैसे ही शाम को गुरुदेव आए और हमने उनके दर्शन किए और हमारी बीमारी ठीक हो गई। और रात को माताजी बोले कि आपकी भैया वृत्ति कर दूं, मैंने कहा कि नहीं, गुरु के दर्शन मात्र से मेरा ठीक हो गया। ऐसे ही गांधीनगर चतुर्मास में मेरी माँ दर्शन करने के लिए आई थी, उनके पैर में बहुत तकलीफ रहती थी,
और उनको एलोपैथिक दो गोली रोज खानी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने गुरुदेव से विनय की, गुरुदेव मुझे भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, आप मेरे लिए कुछ नियम दीजिए। गुरुदेव ने उनके लिए कहा कि आपको एलोपैथिक दवाई बंद करनी पड़ेगी। उन्होंने शहर से स्वीकार किया और एलोपैथिक दवाई का त्याग किया। गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया और देखो ऐसा चमत्कार हुआ कि उनके पैर में इतनी तकलीफ रहती थी कि जब वो अष्टमी चतुर्दशी का एकासन करती थी तो फिर वो तड़पती थी, और हम लोग उनसे कहते थे कि आप ये एकासन में भी गोली ले लिया करो, तड़पने से तो अच्छा है कि आपकी साधना अच्छी हो। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से उनका 35-40 वर्ष पुराना पैर का दर्द एकदम गायब हो गया। ऐसा चमत्कार हमने गुरुदेव के माध्यम से, आशीर्वाद से देखा। गुरुवर के उपदेशों में जैसे बस जाते हैं प्राण, अरे ऐसे हमारे लिए चलते फिरते भगवान। मैं वर्ष 2012 से जब मेरे गृह संस्था की मौसी माता जी और मामा जी ने दीक्षा ली तभी से संघ में मेरा आना जाना रहता है रहा है। शुरू से मैंने 2 प्रतिमा और बाद में 7 प्रतिमा के व्रत आचार्य भगवान ने मुझे दिए। बाद में अंधेश्वर बाबा सब ने शुल्लक दीक्षा ली, पश्चात मुनि दीक्षा आचार्य भगवान ने जयपुर में दी। उनका मुझ पर और मेरे परिवार पर बड़ा उपकार है। साथ ही मेरी बड़े बहन जो भी अभी वर्तमान में सुलेखा है, आचार्य महाराज का सदा ज्ञान ध्यान में हित मित प्रिय वचनों से सभी का ज्ञान वर्धन करते हैं। समय सर आदि बड़े बड़े ग्रंथों की कथाओं का अपने प्रवचनों में समय अनुसार सरल शब्दों में अर्थ बताकर हृदय से पूरी तरह हृदय में उतर जाए इस प्रकार विवेचना कर स्पष्ट रूप से समझाते हैं। आपके विचार साधारण से साधारण मनुष्यों को भी समझाने में सरलता रहती है। आप हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है, किसी भी जीव को तुच्छ मत समझो, सभी आत्मा सिद्ध बन सकती है। आपके उद्बोधन में हमेशा यह बात रहती है, पशु पक्षियों पर भी दया करो, अनावश्यक रूप से अपनी वाणी से भी किसी को कष्ट मत पहुँचाओ। जब कोई बात कहनी तो सरलता और मृदुता से कहो, कठोर वचन मत कहो। जिन धर्म की श्रद्धा रखो, मन वचन काय से आपके क्रियाकर्मों से जिन धर्म को हानि न हुए, प्रत्येक समय जिन धर्म का अनेकांतवाद स्वादवाद को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें। चर्चा में संवाद हो, विसंवाद नहीं बने, चाहे आपके सामने आपकी बात से सामने वाला सहमत हो या नहीं हो।